Welcome to my channel Study Knowledge. Myself Anil Kumar Yadav, Surat. Unacademy platform पे आपकी जबरदस्त तैयारी कराना शुरू कर दिया हूं. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं, वहां पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में. आज के वीडियो में बताया जाएगा सदिश बीजगणित. ये अध्याय नंबर 10 है जिसमें बताया जाएगा प्रश्नावली 10.1. तो ध्यान से समझिएगा, 10.1 एक ही वीडियो में सारा कवर कर दिया जाएगा. कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई 5 क्वेश्चन केवल है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा. तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाल रंग के सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह से वीडियो मिलते रहे. पहला क्वेश्चन लिख रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए. मतलब क्या है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर का हमें आलेख बनाना है कि वो किस प्रकार से बनेगा. तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एक ग्राफ पे इसमें कौन सा उत्तर पूर्व पश्चिम क्या है, हम आपको बता देते हैं. देखिए जो ऊपर बताया है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये सब क्या है, इसके पहले हम बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं. देखिए ये है N और ये है S और ये है W और ये है E, ठीक है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिल गया आपको, मतलब ये हमारा पूर्व है, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, मिल गया. अब क्या करना है, बोला है उत्तर से, क्वेश्चन देखिए, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, तो ये है उत्तर, यहां से ऊपर उत्तर जा रहा है और पूर्व की दिशा में कितने 30 डिग्री में, मतलब इस पे 30 डिग्री हमें बनाना है. 30 डिग्री हमें बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं चांदा का या तो लंगड़ा प्रताप का यूज करके अगर निकालते हैं तो आपका 30 डिग्री करीब इस पे जाएगा. आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, आपको चांदा का या तो लंगड़ा प्रताप का यूज करके बनाना है, तो 30 डिग्री करीब इस पे जाएगा. तो यहाँ पे ये बन गया. अब आप लिख सकते हैं कि जो स्केल लिया गया है, अगर क्योंकि 40 किलोमीटर जो है बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, जब भी जाएगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो ये जो है ये 40 किलोमीटर है. अब आप लिख सकते हैं स्केल के लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के हैं, है ना. तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऐसे यूज करेंगे तो 40 किलोमीटर हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पहले का आंसर किस प्रकार से ग्राफ की तरह बता दिया गया है. सेकंड क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए. मतलब यहाँ पे 1 से 6 तक क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है, ये हमें बताना है. तो देखिए पहला लिखा है 10 kg, ये सदिश है या अदिश, ये बताना है. इसी तरह अलग अलग सभी को बताना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे पहले अदिश कौन सी है और सदिश कौन सी है, दोनों को अलग अलग हमें लिख के बताना है. तो देखिए अदिश कौन कौन सी है, अगर अदिश की बात करें तो 10 किलोमीटर है, 10 kg है, किस दिशा में नहीं पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा अदिश, 10 kg ये हो गया. अब ये देखिए दिशा बता दिया गया इसलिए ये अदिश नहीं होगा. 40 डिग्री इसमें भी नहीं पता चल रहा है तो ये भी हो जाएगा अदिश राशि. और देखिए 40 वाट इसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा है तो ये भी हो गया 40 वाट अदिश. और देखिए क्या है, 40 वाट के साथ ये जो है 10^-19 कूलम्ब है, ये भी क्या है, अदिश राशि है. अब देखिए सदिश में क्या जो बच गया वो सदिश राशि है, जैसे 2 मीटर उत्तर पश्चिम ये बच गया और एक ये है 20 m/s², ये दोनों हमारा सदिश राशि है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए. इसमें भी वही चीज करना है, कौन सा सदिश है कौन सा अदिश बताना है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अदिश. अब अदिश इसमें कौन कौन सा पहले वो बताना है. तो अदिश देखिए सबसे पहले समय कलांश है, किस दिशा में समय लग रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है तो उसको लिखेंगे समय कलांश, ये हमारा अदिश राशि हो गया. अब इसके साथ साथ और क्या क्या अदिश है,
समय कालांश तो हमारा अदिश है। अब देखिए दूरी किस दिशा में जा रही है वो भी नहीं पता चल रहा है, और कार्य ये भी नहीं पता चल रहा है, तो ये सब क्या है? अदिश है। तो इसको लिख दीजिए दूरी और कार्य। अब आते हैं सदिश पे, तो सदिश जो जो बच गया है उसको लिख दीजिए सदिश, बल वेग, ये हो गया सदिश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है आकृति एक वर्ग में निम्न सदिशों को पहचानिए। यह आकृति वर्ग है, उसमें पहचानना है ए बी सी डी, आकृति है वर्ग का, ए बी बराबर सी है, और यहाँ पे मतलब इस तरह से आपको दिया गया है। पहला बोला है सह आदिम समान संरेख परंतु असमान, तीन दिया गया है अलग अलग, तो हमें बताना है। सह आदिम मतलब ए बी, ए बी जो वेक्टर है वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है सी, तो लिखेंगे सी। इसके साथ साथ बी सी वेक्टर कितना है, बी सी, बी सी वेक्टर बी है, तो लिखेंगे क्या ये। तो ये हो गया। अब आते हैं समान पे, समान मतलब जो जो समान हो, जैसे हमारा समान क्या क्या दिख रहा है सेकंड नंबर पे, समान में ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी वेक्टर है और बी सी इज इक्वल टू बी वेक्टर है ना, ये मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है वर्ग में, इसलिए ये दोनों समान वेक्टर है, डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में समान वेक्टर होंगे। आते हैं अगला संरेख परंतु असमान पे, तीसरे नंबर पे, नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पे ए बी इज इक्वल टू सी वेक्टर है और सी डी, सी डी इज इक्वल टू क्या है ए वेक्टर है, तो ये क्या है दोनों, ये दोनों संरेख तो है परंतु असमान है, देखिए ये असमान है। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य तथा असत्य के रूप में दीजिए। पहला ए और माइनस ए संरेख है, तो देखिए ए और माइनस ए ये दोनों आपस में संरेख होंगे, क्योंकि एक हमारा प्लस में है और एक माइनस में, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में जीरो आ जाएगा, जीरो आने पे ही संरेख माना जाता है, तो ये सत्य है। नंबर टू, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, देखिए दो संरेख होना चाहिए तो उनका परिणाम हमेशा सदैव समान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है सदैव समान होता है, तो ये गलत है। नंबर थ्री, समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं, जब समान परिणाम होंगे तो दो सदिश संरेख कभी नहीं होंगे, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये भी कंडीशन गलत है, क्योंकि समान परिमाण अगर आते हैं तो संरेख हमेशा नहीं होगा, यहाँ पे समान बोल दिया, संरेख समान होगा, इसलिए ये असत्य है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, 10.2 इसके आगे के वीडियो बनाया जाएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।